हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने 220 स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय मिस्टर घनश्याम फ्रॉम आर्ट ऑफ ट्रेडिंग को हमारे चैनल पे टेस्ट किया था। अगर आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का जरूर चेकआउट करना। और एक चीज, मेरा आवाज थोड़ा अजीब लग रहा है तो सॉरी उसके लिए, मेरा गला थोड़ा बैठा है। हमने ऑलमोस्ट 2-3 वीक पहले एक पेड इंडिकेटर स्ट्रेटजी डाला था हमारे चैनल पे। उसका रिजल्ट्स तो बहुत अच्छा था स्टॉक्स के केस में, तो लोग हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उससे भी बैंक निफ्टी में टेस्ट करो करके। तो हमने सोचा क्यों नहीं, इसलिए आपके लिए हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं। एक डाउट बहुत लोगों को था, जो आई एम रियली हैप्पी कि लोगों ने पूछा, दैट वॉज डज दिस इंडिकेटर रिपेंट। जिसको नहीं पता रिपेंट क्या होता है, अ रिपेंटिंग इंडिकेटर इज अ इंडिकेटर दैट चेंजेस इट्स वैल्यू एज न्यू डेटा अराइव्स। व्हेन द हिस्टोरिकल वैल्यू ऑफ एन इंडिकेटर चेंजेस, दे कैनॉट बी रिलाइड ऑन द बैक टेस्टिंग सिंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ टाइम। सिंपली अगर लाइव मार्केट में आपको एक इंडिकेटर ने सिग्नल दिया है और थोड़े टाइम बाद उसका वैल्यू चेंज हो जाए और वो सिग्नल हट जाए, उसे हम रिपेंटिंग कहते हैं। ये केस बूमिंग बुल्स की ADX प्लस पिवट प्लस सुपर ट्रेंड वाली स्ट्रेटजी जो हमने टेस्ट किया था उसमें था, जहां वो ADX का सेटिंग को 15 मिनट्स पे रखते हैं और ट्रेड 5 मिनट्स में करते हैं। तो इंडिकेटर अपना एग्जैक्ट वैल्यू हर 15 मिनट्स में चेंज करता है, 5 मिनट में नहीं। यही सेम प्रॉब्लम हमारे कैश काउ स्ट्रेटजी के साथ भी हुआ था, इसलिए हमने वो वीडियो अपने चैनल से निकाल दिया। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन, नो, ये इंडिकेटर रिपेंट नहीं करता। ये चीज मैंने खुद भी टेस्ट करके वेरीफाई किया है और उनसे भी कंफर्मेशन लिया है। और एक चीज, बाय द टाइम मेरा वीडियो लाइव हुआ तब तक उनका प्राइस में रिवीजन हुआ था। मैं जिनसे बात कर रहा था ही वॉज नॉट अवेयर अबाउट दीज चेंजेस। आपका जैसे ही मैंने कमेंट देखा तो ये चीज़ के बारे में मैंने उनसे बात किया और सिर्फ हमारे ऑडियंस के लिए उन्होंने 20% ऑफ के बदले 30% ऑफ कर दिया। अगर आपको भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो प्रोमो कोड डाल दूंगा। जिनको नहीं पता चार्ट प्राइम कस्टम इंडिकेटर सर्विस है। ये बाकी सब इंडिकेटर सर्विस जैसे आपको सिर्फ बाय या सेल सिग्नल के टिप देने वाले सर्विसेज में से नहीं है। इनका गोल उन ट्रेडर्स पे फोकस है जो अपना ट्रेडिंग करियर के मामले में बहुत सीरियस है और इनके टूल्स को एडिशनल कन्फर्मेशन की तरह अपने एनालिसिस में यूज़ करते हैं। अभी रिसेंटली जस्ट दे इन्वाइटेड मी फॉर 1v1 ट्रेडिंग सेशन अबाउट देयर इंडिकेटर्स। आई मस्ट से काफ़ी अच्छा सेशन था वो, और इनके डिस्कॉर्ड कम्युनिटी तो बेटर है ही, क्योंकि यहाँ पर वो रोज़ नए नए ट्रेडिंग सेटअप्स भी डालते हैं और ट्रेड आइडियाज़ भी इनके एक्सपर्ट पोस्ट करते ही रहते हैं। इनके इंडिकेटर्स में आपको काम के और ज़्यादा एक्यूरेट सिग्नल्स मिलते हैं कंपेयर्ड टू अदर ट्रेडिंग इंडिकेटर सर्विसेज, और इनका रेट बाकी सर्विस प्रोवाइडर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ है, विच इज़ $57 फॉर अ मंथ कंपेयर्ड टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ $70 to $100, जिसमें ये आपको 6 इंडिकेटर प्रोवाइड करते हैं विद मोर देन 20 डिफरेंट यूनिक पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस जो आप अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप मेरा प्रोमो कोड TINSIDE30 यूज करोगे तो आपको एडिशनल 30% ऑफ मिलेगा। चलिए और बोर नहीं करता हूँ आपको, अभी इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर स्ट्रेटजी विच वी हैव प्रीवियसली टेस्टेड कॉल्ड एज 2EMAs प्लस चार्ट प्राइम ऑसिलेटर स्ट्रेटजी। आप हमारे लास्ट वीडियो देख सकते हो और आप जिससे आपको बेटर आइडिया आएगा, सिंस हम इस स्ट्रेटजी को बैंक निफ्टी में टेस्ट कर रहे हैं और आप जानते हो कि हम इंडेक्स वाली स्ट्रेटजीज को फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं, आप वो रिजल्ट देख के आइडिया लगा सकते हो कि ऑप्शन में कैसे काम करेगा। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं, जहां हम 2EMAs प्लस चार्ट प्राइम ऑसिलेटर स्ट्रेटजी को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे बैंक निफ्टी में और चेक करेंगे कि कैसे काम करता है। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे, अभी इसके बाद हम टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स कर देंगे। अभी ऊपर इंडिकेटर्स में क्लिक करेंगे और सिंपली EMA सर्च कर देंगे और इसे 2 बार ऐड करेंगे। अभी फर्स्ट EMA के सेटिंग्स में जाएंगे और लेंथ को 10 कर देंगे और स्टाइल में जाके अपने हिसाब से कलर और इसका थिकनेस बढ़ा देंगे। अभी सेम सेकेंड EMA के सेटिंग्स में भी जाएंगे, वहाँ लेंथ को हम 200 करेंगे और स्टाइल में जाके कलर को वाइट करेंगे और थिकनेस बढ़ा देंगे। ये वाइट मेरा प्रेफरेंस है, आप कुछ भी कर सकते हो। अभी इसके बाद वापस हम इंडिकेटर में जाएंगे तो यहाँ पर एक इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ जाके आप चार्ट प्राइम ऑसिलेटर को ऐड कर सकते हो। अब इसके सेटिंग्स में जो जो मेरे को नहीं चाहिए वो सब मैं अनटिक करूँगा, जैसे कि ये ऊपर के 3 प्लॉट, फिर ये सारे नेवियल अनटिक करूँगा और फिर ये लास्ट में ये 3 प्लॉट बैकग्राउंड अनटिक करूँगा। देखिए इसमें कितने सारे चीज़ें हैं, हमें जो चाहिए हम वो रख सकते हैं और बाकी को डिसेबल कर सकते हैं।
ओके, अब इसके बाद ओके कर देंगे। देखिए इंडिकेटर कितना सिंप्लीफाई हो गया, सिंस हम इसे बैंक निफ्टी में यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा चेंजेस होगा रूल्स में, स्पेशली फॉर स्टॉप लॉस। चलिए रूल्स फॉर बाय एंट्री देखते हैं। फर्स्ट रूल, बोथ द लाइन ऑफ ऑसिलेटर शुड बी ग्रीन, ठीक है। उसके बाद ग्रीन डॉट शुड बी फॉर्म्ड, उसके बाद द कैंडल विच इज़ फॉर्म्ड शुड बी अ ग्रीन कैंडल, फिर क्लोज ऑफ द कैंडल शुड बी अबाउट 10 EMA एंड 200 EMA, एंट्री वुड बी एट द क्लोज ऑफ द कैंडल, स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो। इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर आपका स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स के ऊपर हो रहा है तो आप मैक्स स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स रखेंगे और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। चलिए इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ग्रीन कैंडल है और दोनों EMA के ऊपर है और नीचे ऑसिलेटर में दोनों लाइन का कलर भी ग्रीन है और यहाँ एक ग्रीन डॉट भी आया है, तो इस कैंडल के क्लोज पे हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो, ये 150 पॉइंट्स के नीचे है और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क एंड दिस एग्जांपल वाज अ विन। चलिए अब सेल के रूल्स भी देख लेते हैं। इसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट, बोथ द लाइन इन ऑसिलेटर शुड बी रेड, रेड डॉट शुड बी फॉर्म्ड, कैंडल फॉर्मिंग शुड बी अ रेड कैंडल, क्लोज ऑफ द कैंडल शुड बी बिलो 10 EMA एंड 200 EMA, सो एंट्री वुड बी एट द क्लोज ऑफ द कैंडल, स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हाई। इसमें भी सेम, मैक्स स्टॉप लॉस आप 150 पॉइंट्स तक ही ले सकते हो, अगर उसके ऊपर गया तो आप मैक्स स्टॉप लॉस 150 पॉइंट्स रखेंगे और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क। चलिए इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कैंडल रेड है और दोनों EMA के नीचे है और नीचे दोनों ऑसिलेटर में लाइन रेड हुआ है और यहाँ रेड डॉट भी आया है, तो एंट्री हम ये एंट्री कैंडल के क्लोज पे करेंगे, स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हाई और टारगेट 1.5 टाइम्स द रिस्क एंड दिस एग्जांपल वाज आल्सो अ विन। चलिए आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है, तो इस स्ट्रैटेजी को हम 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। चलिए रिजल्ट देखते हैं। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज 100, उसमें से 57 वॉज विन एंड 43 आर लॉस, सो टोटल विन रेट हुआ 57%। टोटल गेन इन एन अकाउंट वॉज 123.35% एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज जस्ट -6.24%। कंटिन्यूस विन इन अ रो इज 9 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो इज 4। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 2.926 months। सो जैसे आप देख सकते हो, स्ट्रैटेजी इज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल। 123.35% गेन इन 2.926 months इज प्रिटी इम्प्रेसिव। ड्रॉडाउन भी इज जस्ट -6.24%, विच इज क्वाइट लो फॉर एन इंडेक्स स्ट्रैटेजी। अब ये देख के आपको लग रहा होगा कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है तो इसके लिए मैं रिजल्ट अच्छा दिखा रहा हूँ। इनफैक्ट मैं भी आपकी जगह होता तो वही सोचता, बट लेट मी अश्योर यू कि मैं ऐसा काम आपके साथ कभी नहीं करूँगा। अगर मेरे को रिजल्ट खराब आया तो मैं इसको खराब ही दिखाऊंगा। मैंने मेरी स्ट्रैटेजी का भी रिजल्ट खराब था तो आपको दिखाया था मैंने। आपका ट्रस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पॉन्सर्स के मुकाबले। तो आप देख सकते हो, एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी बनाया था मैंने और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और जितने इनके इंडिकेटर्स में सिग्नल्स आते हैं और अलग अलग इंडिकेटर्स है, पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी है अलग अलग सेटअप बनाने का। सेम चीज़ मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा जो मैंने लास्ट वीडियो में रिपीट किया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सीधा जाके खरीद लो और इससे अच्छा मार्केट में कोई और इंडिकेटर ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सबके लिए अलग अलग आउटकम आ सकता है। मेरा सजेशन है, अगर आपको ये इंडिकेटर इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जाओ और एक महीने का सब्सक्रिप्शन लो। सब्सक्रिप्शन भी इज़ लाइक $57, विच इज़ अराउंड 4690 rupees करेंटली। आपके लिए उनसे मैंने बात करके 30% का डिस्काउंट भी ले लिया है। एक महीना ट्राई कर लो, जितना एक्सपेरिमेंट करना है या बैक टेस्टिंग करना है कर लो। अगर इंडिकेटर सही लगता है तो ही कंटिन्यू करो, वरना आपको फोर्स कौन कर सकता है। और मेरा कोड TINSIGHTS30 यूज़ करोगे तो आपको 30% ऑफ तो मिल ही रहा है। और अगर समझो आपको खरीदने के बाद सर्विस अच्छा नहीं लगा तो ये आपको 7 days का मनी बैक गारंटी तो दे ही रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमारे कमेंट में एक पर्सन ने ट्राई किया था और उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने बोल दिया, और ये चीज़ उन्होंने वेरीफाई भी किया कि उनको पैसा रिटर्न कर दिया उन्होंने। एज ऑलवेज जैसा मैं बोलता हूँ, आपको सीधा मेरी बात या किसी की भी बात ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हर स्ट्रैटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है। सो आई विल ऐड दिस स्ट्रैटेजी इन द गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दिस ऑल्सो टेक्स द फर्स्ट पोजिशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रिवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यू लाइक। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो UPI ID आपके स्क्रीन पे होगा।
अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं ज़ीरोधा का लिंक डाल दूंगा। हमसे अकाउंट बना के आप चैनल की हेल्प थोड़ी कर सकते हो। चार्ट प्राइम को ज़रूर चेकआउट करना। मेरा कोड TInsights30 यूज़ करोगे तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा उसमें। और अगर आपको ये वाला बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने इसे अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर किया है, आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसे ज़रूर चेकआउट करना। प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रैटेजी आप चाहते हैं कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में, ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे स्ट्रैटेजीज के वीडियोस भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।